डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट पावटा पे। और जो अपन पहले पढ़ रहे थे नरेशन, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने इसमें असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव की मैं बात करूँ तो ये नाम से ही शो हो रहा आपके सामने कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ ये जो सेंटेंसेज होते हैं आपके पास, इनमें आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यानी कि आपको प्रश्न पूछा जा रहा है सेंटेंस में, क्लियर सी बात है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं ये दो प्रकार से प्रारंभ हो सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं दो प्रकार से प्रारंभ हो सकते हैं। पहला टाइप यानी कि मैं बात करूं यहां पे बिगिंस विद, तो सबसे पहली चीज जो ये प्रारंभ होते हैं, प्रारंभ होने का जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ हो सकते हैं। अब डब्ल्यू एच वर्ड की बात करूं मैं तो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं नो, नाइन होते हैं इसमें, जितने भी आपके जो वॉट वाय वेन वेया हु वाय हुम हुज एंड हाउ, तो ये जो नाइन मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आपके डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। इनसे एक तो ये पहली बात तो इनसे सेंटेंस प्रारंभ होता है। अच्छा, दूसरी चीज मैं बात करूं इसकी तो सेकंड थिंग जो होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया डब्ल्यू एच वर्ड नाइन होते हैं, वैसे हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 24, नहीं होती भाई 24 होती है। अच्छा, 24 में सीधा सा टेंस के हिसाब से पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, डू डज इज एम आर हैज हैव, ये तो अपन ने जो हेल्पिंग वर्ब ली है प्रेजेंट टेंस की हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो इसमें डिड आ जाता है, डिड आ गया। इसके बाद में बात करूं मैं तो वोज एंड वर और हैड। अब यहां तक अगर अपन देखते हैं तो ये जो आपका काउंट होता है वो होता है 11 हो गए आपके ये। और इसमें जो मॉडल्स होते हैं जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स बोला जाता है तो वो भी एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब ही है, तो उन 13 को भी इसी में काउंट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, विल वुड कैन कुड शैल शुड मस्ट ऑट टू नीड टू यूज्ड टू डेयर टू, तो ये आपके होते हैं 24। तो इन दो प्रकार से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रारंभ होता है। और अगर एक बिल्कुल इजी वे की बात करूं तो इनके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है, ठीक है। जब अपन इनको चेंज कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं, विशेष रूल्स जो होते हैं उनकी बात करें, ठीक है। एक बार आप इसे देख लीजिए और ये जो आपके हैं काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है 24, तो आप इस हिसाब से भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं इसको चेंज करने की, ये तो हो गया इनका प्रारंभ कैसे होता है, ये तो था इनका प्रारंभ। अच्छा, अब बात करते हैं जब आप इनको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, चेंज इन इनडायरेक्ट, ठीक है। अब आप चेंज कर रहे हैं तो यहां से मैं बात करूं आपके लिए रूल्स की, तो सबसे पहला जो रूल होता है उसकी बात करें तो सेड
टू, सैड टू को आपने चेंज करना है आस्क्ड में, आस्क में आपने चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे आस्क के बाद में टू का यूज नहीं होगा, के बाद टू का यूज नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, एक तो आप सेट टू को आस्क में चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसे इंक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज कर सकते हैं। किसमें? इंक्वायर्ड ऑफ। अब आप कहेंगे सर डिफरेंस है दोनों में, जी नहीं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट ये इसलिए बताया स्पेलिंग की दृष्टि से आपके लिए ये इजी रहता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है स्पेलिंग, इस वजह से आप आस्क यूज कीजिए, सही है। दूसरी चीज जो इसमें होती है वो होता है आपका कनेक्टिव, सेकेंड थिंग आपकी होती है कनेक्टिव, यानी कि जो डायरेक्ट में रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग होते हैं दोनों को आपने जोड़ना होता है, तो उसके लिए कनेक्टिव यूज किया जाता है। उसमें भी फर्स्ट थिंग क्या होती है, अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू एच वर्ड से, किससे हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड से अगर आपका सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है तो उसमें आपको कनेक्टिव यूज नहीं करना है, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड, जिस डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ हो रहा है वही आपका कनेक्टिव यूज होता है। सेम डब्ल्यू एच वर्ड, सेम डब्ल्यू एच वर्ड ही कनेक्टिव के तौर पर यूज किया जाता है, कनेक्टिव के तौर पर यूज किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैंने यहाँ पे बताया कि दो प्रकार से प्रारंभ होता है, एक तो डब्ल्यू एच वर्ड से और दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब से, तो सर मैंने यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड का तो आपको बता दिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से भी अगर प्रारंभ हो रहा है तो क्या करते हैं हम, जी अब यहाँ पे तो डब्ल्यू एच वर्ड का था, अब अगर आपका सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से तो आप क्या कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब से अगर प्रारंभ हो रहा है तो आपको जो कनेक्टिव होता है वो क्या होगा, या तो इफ या तो वेदर, क्या यूज करेंगे आप, इफ या वेदर, लेकिन यहां पे वही कंडीशन है, आप इफ यूज कीजिए क्योंकि वेदर थोड़ा सा क्या होता है स्पेलिंग के लिए, स्पेलिंग थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, टफ हो जाती है, इसलिए आप यहाँ पे इफ का यूज कीजिए, इट वुड बी बेटर फॉर यू, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी चीज, इसमें रूल्स की बात कर रहे हैं, तो तीसरी चीज, अब पहली चीज क्या हो गई, आपको सेट टू को आस्क में चेंज करना है, सेकंड थिंग आपकी डब्ल्यू एच वर्ड है तो आपका जो कनेक्टिव है वो डब्ल्यू एच वर्ड ही यूज किया जाएगा जिससे कि सेंटेंस आपका प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद तीसरी, और ये हेल्पिंग वर्ब से अगर प्रारंभ होता है आपको किस क्या करना है, इफ इसमें कनेक्टिव लगाना है जी। तीसरी चीज हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जैसे इससे भी प्रारंभ हो या इससे, दोनों में से किससे भी प्रारंभ हो, हेल्पिंग वर्ब तो आपको लगानी पड़ेगी, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले किसका यूज कीजिए, सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। और अब ये जो अपन कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज क्यों कर रहे हैं, जिससे कि इसका जो इंटरोगेशन है यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटाया जा सके, तो मैं यहाँ पे आपके लिए अंतिम चीज ये लिखता हूं कि प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्या करना आपको, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हटाकर, क्वेश्चन मार्क को हटाकर लगाना क्या है आपको, फुल स्टॉप लगा दीजिए, यानी कि जब आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, सिंपल सेंटेंस हो जाता है, अफर्मेटिव हो जाता है आपका ये, और इस प्रकार से आप ये चेंज कर सकते हैं, आपका सेंटेंस इजीली चेंज हो जाएगा, आपको सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तो जरिए समझते हैं हम इस चीज को,
सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, एग्जांपल सब फर्स्ट लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू लाफिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है ही सेड टू हिम व्हाई आर यू लाफिंग। यहाँ पे आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है किससे प्रारंभ हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि व्हाई से प्रारंभ हो रहा है। अब चेंज करने के लिए जो रूल्स लिखाए थे उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज सेड टू को किसमें चेंज करना है, अपने आस्क में चेंज कीजिएगा। तो ही आस्क्ड, अब इसमें मैंने ये भी लिखा कि आस्क के बाद टू का यूज नहीं किया जाता, तो टू अपन ने हटा दिया। ही आस्क्ड हिम, अब यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो कनेक्टिंग डब्ल्यू एच वर्ड ही यूज किया जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे वाई लगा दिया, ही आस्क हिम वाई। अब यहाँ आर आप देख रहे हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो किसमें जाएगा ये, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है आपका यू, ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये इसके लिए यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सेकंड पर्सन है जो चेंज इन पर्सन बताया था, तो यहाँ सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है तो किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, यानी कि ही हो जाएगा यहाँ पे। ही आस्क हिम व्हाई ही वॉज लाफिंग, व्हाई ही वॉज लाफिंग। अब आपने क्या करना है, देखिए सेट टू को चेंज किया आस्क में हो गया, कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे कैसे यूज कर दिया, और हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सॉरी डबल हो गया ये, सॉरी व्हाई ही वॉज लाफिंग, तो वही हुआ हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट था हेल्पिंग वर्ब के बाद था, लेकिन हमने यहाँ पे इसको क्या किया, पहले लिया, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखी और ये आपकी वर्ब आ गई, तो ये आपका सेंटेंस चेंज हो जाता है। और देखिए आप एग्जांपल नंबर टू, सेकंड एग्जांपल नंबर देख लेते हैं इसका, दे सेड टू रमन, दे सेड टू रमन व्हेन विल यू गो बैक, व्हेन विल यू गो बैक। डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है जी। चेंज कीजिए इसको, वही सेड टू को क्या चेंज करना, आपको आस्क में चेंज करना है। They asked Raman. अब डब्ल्यू एच वर्ड है तो कनेक्टिव आपका डब्ल्यू एच वर्ड ऐसा का ऐसा, यू है किसके लिए यूज हो रहा है, रमन के लिए, यानी कि ये सेकेंड पर्सन है आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के हिसाब से रमन के लिए जो अपन यूज करेंगे यहाँ पे ही आएगा। When, sorry, ये ऐसा कैसा जाएगा, देखिए, दे आस्क रमन व्हेन, यहाँ पे इसका वो आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे ही, और विल आपका चेंज हो जाता है वुड में, क्या हो जाता है वुड में, दे आस्क रमन व्हेन ही वुड गो है, गो ऐसा कैसा रहेगा आपका, और ये बैक। यहाँ पे अगर जैसे लड़की का नाम होता तो यहाँ पे क्या था, सी हो जाता, इवन यहाँ पे लड़के का नाम है तो अपन ने क्या किया यहाँ पे ही किया, मेल फीमेल भी आपको ध्यान रखना होता है। तो ये हुआ आपका डब्ल्यू एच वर्ड का जी, डब्ल्यू एच वर्ड का हुआ। इसके बाद मैं बात करता हूँ हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो आप चेंज कीजिएगा। She said to me. She said to me.
ये लीजिए आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे आपने देखा आर यू अ टीचर, चेंज कर रहे हैं हम इसको, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, डजंट मैटर क्योंकि सेड टू तो आस्क में ही चेंज होना है। यहां पे आप कीजिए सी आस्क्ड मी। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने बताया था जब हेल्पिंग वर्ब से आपका वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो आप या तो क्या करेंगे इफ या वेदर। तो अपन ने क्या करना है यहाँ पे इफ लगा देना है इफ। अब ये यू जो है मी के लिए यूज किया जा रहा है, बताया था सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो यू मी यानी कि यहाँ पे मी का सब्जेक्ट आ रहा है यानी कि आई आपका यहाँ पे आना है। कंटीन्यूअस टेंस है If I was a teacher, if I was a teacher, क्वेश्चन मार्क हटाया, आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, इजी है सर, आपका सेंटेंस चेंज हो गया है। और देखिए एग्जाम्पल्स इसके हेल्पिंग वर्ब के, राजू said to them, Raju said to them, have you finished your work? Have you finished your work? वर्क हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है सर आपका जी। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, राजू आस्क्ड, टू को हटा दीजिए, देम, राजू आस्क्ड देम, हेल्पिंग वर्ब है इफ, यू किसके लिए यूज हो रहा है, देम के लिए। अब यू है आपका सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे आएगा दे। प्रेजेंट परफेक्ट है, कहाँ जाना है, पास्ट परफेक्ट में। इफ दे हैड फिनिश्ड, अब ये योगा क्या है, पजेसिव है आपका, सेकंड पर्सन पजेसिव है और यूज किसके लिए हो रहा है, देम के लिए। तो यहां पे क्या आएगा, देयर, देयर वर्क, फुल स्टॉप लगा दीजिए और आपका ये अफर्मेटिव हो जाता है। यहां से आपने वही किया, सेड टू को सबसे पहले आस्क में चेंज किया, इवन आपका हैव से प्रारंभ हो रहा है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, आपने इफ लगाया यहाँ पे, और ये जो यू है देम के लिए यूज हो रहा है तो इसका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, पजेसिव है और इसी के लिए यूज हो रहा है तो इसका पजेसिव देयर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हेल्पिंग वर्ब का, इसमें थोड़ा सा अगर जैसे डू और डज से प्रारंभ हो रहा है तो वहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वहां पे आपको। तो आप क्या सोचते हैं सर, डू डज से प्रारंभ हुआ तो आपने डिड लगाना, जी नहीं, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। देखिए तो आप डिड को ध्यान से हटा दीजिए वहां पे और आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है। मैं लिखता हूं यहाँ पे He said to her, he said to her, do you play chess, do you play chess? सर आप यहां पे देख रहे हैं किससे प्रारंभ हो रहा है, डू से, हेल्पिंग वर्ब है। अब डू ऐसे वर्ब मैन वर्ब भी होती है, लेकिन जब ये मैन वर्ब होती है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा, यहाँ पे डू है और इधर क्वेश्चन मार्क है, मींस ये हेल्पिंग वर्ब है। और डू कौन से टेंस में होती है, प्रेजेंट सिंपल में यानी कि पास्ट सिंपल में जाएगी ये। तो चेंज जब अपन करेंगे इसको, ही आस्क्ड हर हेल्पिंग वर्ब से है If, अब यहां से डू हेल्पिंग वर्ब आपकी हट जाती है। अब ये किसके लिए यूज हो रहा है, इसी के लिए यूज हो रहा है, हर है, हर का सब्जेक्ट आएगा सी, इफ सी
वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड चेस, इफ सी प्लेड चेस। तो ये आपका डूडज वाला वाक्य भी खत्म हुआ जी। अब एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं इसके अपन सुविधा की दृष्टि से, जिससे कि आपके लिए और भी क्लियर हो जाए। ये देखिए सी सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग टूडे, आज तुम कहां जा रहे हो। दिस इज द क्वेश्चन, आपने क्या करना है, सी आस्क्ड हर। डब्ल्यू एच वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो कनेक्टिव आपका ऐसा कैसा रहेगा, वेयर यू किसके लिए एग्जाम बी के लिए, यानी कि यहां पे आई हो जाता आपका वेयर आई वॉज गोइंग, और टूडे किसमें चेंज होता आपका दैट डे में, वेयर आई वॉज गोइंग दैट डे। इस प्रकार से यानी अब यहां पे आपने देखा कि ये तो आपका टेंस हो गया, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाला हो गया है, ठीक है। इसके बाद में इंटरोगेटिव में टिपिकल टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं, वो पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव आपका चल रहा है, इसमें कौन से सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, टिपिकल। टिपिकल भी कौन से में होता है, इंटरोगेटिव जी। इसमें कुछ अलग से नहीं है, सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी होती है, वो ये होती है कि जो आपका रिपोर्टिंग वाला पार्ट शुरू में होता है वो आपका बीच में भी आ सकता है, एक साथ दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जिससे मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूं यहां पे, विल यू गिव मी योर बुक, ये लीजिए विल यू गिव मी योर बुक। अब मैंने यहां पे लिखा आई सेड आई, ये लीजिए सर हो गया। अब यहां पे ये तो हो गया, और फिर इधर क्या, नो सी रिप्लाइड, ये लीजिए सर यहां पे क्या किया, नो सी रिप्लाइड। अब यहां पे क्या डबल चीजें हो गई आपके पास, तो सबसे पहले तो आप इसको चेंज कीजिएगा। अब इसके बाद आप कहेंगे कि सर इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जी सर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे, ये रहा आई सेड टू हर, सी है ऑब्जेक्ट में क्या होता है हर, तो यहां पे क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आई आस्क्ड हर, आप यहां पे क्या करेंगे, आई आस्क्ड हर, और किससे प्रारंभ होना है, हेल्पिंग वर्ब से, तो ये लीजिए इफ। हर किसके लिए, यहाँ पे जो विल यू, तो ये जो सब्जेक्ट है किसके लिए हो रहा है आपका, हर के लिए, तो यहाँ पे वापस क्या जाएगा, सी आई आस्क हर इफ सी विल है किसमें चेंज हो रहा है, वुड में, इफ सी वुड गिव मी है ये ऐसा कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है तो इसके हिसाब से मी ऐसा कैसे आएगा, गिव मी योर किसके लिए हो रहा है, सी के लिए, तो हर बुक ये होगा, आई आस्क हर इफ सी वुड गिव मी हर बुक। ये एक चीज, एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है जी। सी रिप्लाइड इन नेगेटिव, सी रिप्लाइड इन नेगेटिव, ये आपका दूसरे का हो गया। या फिर आप इसको जो सी रिप्लाइड इन नेगेटिव मैंने लिखा है, आप इसको एक प्रकार से और चेंज कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं आप, सॉरी सी रिप्लाइड दैट सी वुड नॉट, सी वुड नॉट। इस प्रकार के सेंटेंस की अगर मैं बात करूं
तो इनमें आपको क्या करना होता है, फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो आपका इंटरोगेशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है सेकंड सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद में आप जब सेकंड वाले को चेंज करें तो सेकंड वाले के लिए एक चीज ध्यान रखनी होती है आपको, ये आपका सेकंड सेंटेंस होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, या तो आप क्या कर सकते हैं, अगर नो है, नो है तो क्या करेंगे आप, इन द नेगेटिव, इन द नेगेटिव, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको, सब्जेक्ट आ गया आपका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो, तो इस प्रकार से आपके ये टिपिकल सेंटेंस भी सॉल्व हो जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डालिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।